एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों द्वारा छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसा एक मामला विदिशा जिले के सिरूंज से सामने आया है, जहां ग्राम भगवंतपुर के हाई स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल शोभा श्रीवास्तव द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ अभद्रता की जा रही है। प्रिंसिपल न सिर्फ बच्चों को धमकी दे रही हैं, बल्कि बच्चों से गलत भाषा का प्रयोग कर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी भी दे रही हैं। इस संबंध में जब विद्यार्थियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल मैडम शोभा श्रीवास्तव बेवजह हमको कक्षा और स्कूल से बाहर जाने को बोलती हैं। हमारे स्कूल शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल भगवंतपुर है, यहाँ पर हम स्कूल गए, वहाँ पर हमने जाकर मैम ने हमसे स्कूल से बाहर निकाल दिया और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया और बच्चों से बोला कि तुम लड़कियों से मिलने आते हो और ना जाने कितनी गालियाँ दी, जिस पर हम उसका विरोध करना चाहते हैं। और हमारी बहनों और सभी भाइयों ने इसका विरोध किया तो मैम ने उनसे बोला कि तुम्हें सोनम्बर बुलवा के पिटवाया जाएगा और तुम्हें स्कूल से धक्के मारकर लाते मारकर निकाल दिया जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में जैसे ही कोई चीज़ आती है इस तरह की तो हम उसकी विधिवत जांच कराएंगे और जो भी जांच के फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर अगर शिक्षिका की गलती है तो उसको सजा दी जाएगी।